नमस्कार, मैं अनुराधा मेंदोला और आज मैं करूंगी अपनी कविता का पाठ जन सरोकार मंच टोंक के माध्यम से। पहली कविता है रोशनी के ठेकेदार। दहलीज सपाट जमीन दिखती है, वस्तुता है नहीं। एवरेस्ट से ऊंची है, अगम्य से। कभी तो जर्जर होंगे घर, तब तक मत करो दीवारों के गिरने का इंतजार। खिड़कियां नहीं खुलेंगी कभी भी, यहीं से तो है बदलाव की लहर आने का डर। बादलों को हटाओ, आसमान को खोलो, आखिर सबको चाहिए अपने हिस्से का सूरज। कोई ठेकेदार नहीं है रोशनी के। दूसरी कविता का शीर्षक है चलती रहो। नदी टकराती है पूरे मनोबल से किनारे पड़े विशाल पत्थरों पर। थक जाती है जब निरंतर चलते हुए निर्लज्ज पत्थर ढकेल देते हैं उसे उसी पानी में। सूख कर उन पर नहीं दिखता पानी का एक भी निशान। नदी चल देती है गहरी घाटियों में बेमन से। स्त्री तुम भी नदी हो, चलती रहो। अगली कविता है और कविता का शीर्षक है कहना। उसने कहा जाओ, जबकि वह रोकना चाहता था मुझे। छोड़ते हुए मेरा हाथ चाहता था मैं और जोर से कस लूं अपनी उंगलियां। जब देखता रहा एकटक, आंखों में अपील थी कि लौट आना जल्दी। कुछ भावनाओं को शब्द नहीं मिलते, फिर भी कह जाते हैं जो कहना होता है। अगली कविता है और इसका शीर्षक है भीड़। भीड़ से बचकर छूटे हुए भीड़ हुए जाते हैं। भीड़ का हिस्सा, भीड़ ही किस्सा। एक भीड़ से आजाद, एक भीड़ में विलीन। वैचारिक भीड़ लड़ते हुए खो रही है सब्र। भीड़ मुक्त करती जीवन, भीड़ की मृग मरीचिका मारेगी प्यासा। इसी भीड़ की आड़ में छुपने दो, भीड़ बहुत है। अगली कविता शीर्षक है नौकरी। पैसे और जुबान नहीं रह सकते एक साथ। बेरोजगारी के दौर में बुलंद आवाजों से उठाई थी मांगे और जोर से धमकाया भी था। बेवाक बोलों के प्रतिफल से डरता भी कौन था। नौकरी ने पट्टा बांध गले में बना दिया पालतू। तो पूछ भी तो होगा ही ज्वाइनिंग के साथ ही। हिलाते हुए पूछ दिन निकलता और ढलता है। नागवार कुछ गुजरता नहीं सामने से। अब शिकायतें सारी दूर हुई। देर से मिले तनख्वाह या कम मिले सह लेते हैं। गुर्राते हैं भूले से अपने ही अंदर। पैसों का ताला पड़ा है जुबान पर, या इसी को कहते हैं पैसे फेंक कर मुंह बंद करवाना। अगली कविता है और इसका शीर्षक है उपहार।
सब कुछ है मेरे पास जो जरूरी है आराम परस्ती से जिए जाने के लिए। गर्मी नहीं सताती, एयर कंडीशनर की हवा मेरे कमरे को घेरे हुए है, खान पान का वैभव भी कुछ कम नहीं। तन ढकने के कपड़ों से अटी पड़ी है अलमारियां। तुम देना चाहते हो उपहार, कहते हो जान है हाजिर तुम्हारे लिए। पिछली बार गए थे वादा कर और लौट कर आए हो ठीक 2 साल बाद। अपनी व्यस्तम दिनचर्या में भूलते हो मुझे महज एक कॉल करना। तुम दुनिया घुमा सकते हो, ले जा सकते हो दूर पहाड़ों की तलहटियों में। बुनने लगते हो नए सपने, पंख लगा देते हो मृत सपनों को। अच्छे से रखते हो हर एक बात का ख्याल, आंखों में नाचने लगते हैं इंद्रधनुषी रंग। तभी घनघनाती है मोबाइल की घंटी और तुम्हें काम पर तलब किया जाता है। झटके से टूटती नींद से जागती हुई अकेली रह जाती हूँ, कई सपनों के बीच फंसी हुई। दिया, मुझे यदि देना चाहो तो जान से कम देना, बेशकीमती उपहार भी धूल है मुझे। मुझे तुम्हारे समय की गोलाई से चाहिए एक टुकड़ा उपहार। अगली कविता है और इसका शीर्षक ईश्वर और आदमी। ईश्वर ने आदमी बनाया, अरबों आदमी है इस समय धरती पर, हर एक जुदा है हर शय में। आदमी ने ईश्वर बनाया कई तरह का, हर एक ईश्वर जुदा रहा। उसके सुनने उस तक पहुंचने के तरीके अलग है। जो कुछ एक है वह जीवन के पक्ष में मांगी गई प्रार्थनाएं हैं। ये निर्भर करता है कहे जाने की उत्कंठा और सुने जाने की अधीरता पर कि ईश्वर ने आदमी रचा बेहतर या आदमी ने रच दिया मनोनुकूल ईश्वर। अगली कविता का शीर्षक है मदारी। खाना देता है, पानी देता है, ले जाता है घुमाने शहर से शहर। पुचकारता है, रखता है घर में, भूल जाता है अपना पेट भरने पर। तुम्हारा पेट उसके पेट का जुड़वा नहीं है। सो जाता है कुंभकर्ण सी नींद में, जागने पर दौड़ता है अपनी रोटी के लिए। डालता है एक टुकड़ा तुम्हारी ओर भी, सिरोधार्य करते हो कर देते हो उसे। नाचते हो उसी के सारों पर कृतज्ञता से, उसका धंधा है ये। अगली कविता और इसका शीर्षक है वादा। रात भर सोई रही नदी आकाश ओढ़कर, एक चिड़िया की प्यास ने जगाया उसे। पानी में चेहरा देखने से पहले सूरज ने किरणों से गले लगाया उसे। उड़कर भाप हुई, मिलने चली उष्णता की ओर, जम गई आकाश घेर कर। सफेद उन्हीं गोलों को ली उधरती जाती बूंदों में, नदी बना रही है गोले उसी ऊन से। पर्वतों ने पहने हैं सफेद स्वेटर, गर्मी में उतारते जाते हैं खंदा और बूंद, सौंप कर आते नदी को अमानत। नदी उड़ती है पानी और आकाश, लौटा देने का वादा लिए।